बिग बॉस OTT 3 खत्म होने के बाद अब सभी कंटेस्टेंट अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। रणवीर शौरी, जो कभी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं होते थे, उन्होंने अब अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। रणवीर ने अपना चैनल खोलने के बाद वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वह शो से अपनी कई गलतियों से सीख कर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अब वह सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव रहेंगे। रणवीर पहले कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मानसून के इस आसमान को इतना मिस करूंगा। मैं यह वीडियो बनाना चाहता था जिसकी 2-3 वजह थी। सबसे पहले जो मैंने वहां सीखा वो ये कि अपने सोशल अकाउंट को फॉलो नहीं करना मेरी गलती थी, अब इस गलती को सुधारना है। दूसरा, आप सबको धन्यवाद करना था। ऐसे वक्त में जहां मेरे पास PR टीम नहीं थी, ये सब सपोर्ट नहीं होने के बाद भी आप सब ने मुझे टॉप 3 तक पहुँचाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर ने आगे कहा, एक वजह और थी कि जो मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ कई, उस पर भी मैं बोलना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट थी, मैंने बिग बॉस को बायस्ड कहा। मैंने कहा था मेरी नज़र में अन्य कई डिजर्विंग लगते थे विनर के लिए। मैं अपने अलावा अरमान, लोकेश, विशाल को डिजर्विंग समझता था। मैंने इसलिए यह कहा कि मेरे लिए यही था कि वो कंटेस्टेंट स्ट्रांग नहीं जो गाली देता है, लड़ता है। मेरे लिए यह था कि कैसे इंसान सिचुएशन हैंडल करता है। हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन मैं इस बेसिस पर ही जज करता था। इन पैरामीटर में मैंने सना को कभी घर का एक्स्ट्रा काम करते हुए नहीं देखा और न ही किसी घर वालों के लिए अच्छा किया। मैं बिग बॉस पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं तो बिग बॉस से डरता हूँ। अभी भी उनकी आवाज़ सुन ली तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाऊंगा। रणवीर ने आगे कहा, सना मकबूल नहीं डरती है बिग बॉस से, क्योंकि उसने तो बिग बॉस को ही झूठा बोल दिया था जब उन्होंने खुद को बाहर वाला इशारों में बताने वाली बात को ही ठुकरा दिया था। आखिर में रणवीर ने कहा कि मैं अब किसी न किसी तरह से आप सब से इंटरेक्ट करता रहूंगा। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।